जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पॉन्स तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें, जो गलत खबर छापी है उसे विड्रॉ करें, सही खबर छापें, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने मैं कौन सा बड़ा घोटालेबाज हूं, मैंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया हो और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ईडी की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तौर पर मेरी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी। साथियों, ये जो पूरी कार्रवाई है, जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पिछले करीब करीब एक साल से चल रही है, ये सरासर राजनीतिक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसका लक्ष्य बस इतना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और शायद आज बीजेपी मेरे नाम का दुष्प्रचार करने की, मेरे नाम की और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशें कर रही है, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में लगातार बढ़ती जा रही है। वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी थी, दिल्ली में चुनाव जीता करती थी, आज वो पंजाब में सरकार चला रही है। पंजाब के को इंचार्ज के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सबके मेहनत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। मुझे गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी दी, बतौर सह प्रभारी मैंने गुजरात में भी काम किया और हमारी सबकी मेहनत की बदौलत, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की बदौलत, हम गुजरात के चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी बने, नेशनल।